क्यों रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे। आधे घंटे पहले एक्टिव हो जाता बंदा। बोला बोला आगे तू। आधे घंटे पहले एक्टिव हो जाता बंदा। ये अपना सूप पाउडर डाले, उसके बाद गर्म पानी डालेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी भी अच्छी दिख रही है इसकी, देख के इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। के बैठ गया हूँ अभी साइड लोअर सीट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अपना बैग रखा है, यहाँ पे खाना वगैरह रखा है, ये कंबल रखा हुआ है, ब्लैंकेट, दैट्स माय नेक पिलो। यहाँ पर सामान ऐसे ही रखा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है। एक्चुअली मेरी उस साइड में 52 थी सीट लोअर, बट ट्रेन हमारी खाली हो गई बिना जंक्शन के पहले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बैठ के कुछ सीन जो है बाहर के अच्छे कैप्चर किए जाएं। We'll be right back.
ये बीना जो है ये हमारे मध्य प्रदेश स्टेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी इकोनॉमिकल प्लस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। बीना में आपको एक मेजर ऑयल रिफाइनरी देखने मिलेगी जिसको कि ऑपरेट करता है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। एग्रीकल्चरली बात कर लूँ तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शहर माना जाता है जहाँ पे कि वीट का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश स्टेट के बीना में, जिसको कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट। बीना को जंक्शन इसलिए बोला जाता है, एंड सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ से काफ़ी सारी लाइन्स गई हुई है, लाइक दिल्ली मुंबई चेन्नई लखनऊ झांसी उज्जैन एंड कटनी कोटा, इतने रूट्स के लिए यहाँ से लाइनें गई हुई हैं, इसलिए बीना काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है। एक्चुअली अभी थोड़ा डिले के कारण यहाँ पे गाड़ी जल्दी छोड़ दी बीना से, थोड़ी मतलब 5 मिनट प्रॉपर नहीं रुकी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा अभी मैं नीचे रह जाता बट लकीली चढ़ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हम यहाँ से देखने वाले हैं ट्रेन का डिपार्चर, उसके बाद हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी गाड़ी रुकेगी, वैसे विदिशा गंज बासुका वगैरह रुकेगी अब तो हम आपसे सीधा वहीं मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप ये सिनेमैटिक शॉट्स देखिए। वो हमारा डिनर रखा हुआ है, अभी पानी की बॉटल ली है, दिस इज स्नैक पिलो, मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारी बैग एंड साथ ही साथ ये देखिए ये अटैची थी, पहले वहाँ रखी हुई थी, वो मेरी सीट है लोअर, पहले मैं वहाँ बैठा था, अभी मैं यहाँ पे आके बैठ गया साइड लोअर पे, बिकॉज साइड लोअर इज लव है, अच्छी लगती है इसलिए। तो देखिए वो सीट मैंने छोड़ दी है, अभी यहाँ देख लीजिए यहाँ पे ये अपर मिडिल लगी हुई है अभी, एंड दिस इज लोअर, ये पैम्पलेट आपको ट्रेन में मिल जाएंगे, ये देखिए आपको ये मिल जाएंगे जिसमें खाने पीने की चीज़ें, साथ ही साथ नंबर दिए हुए हैं बीना झांसी भोपाल, ये 3 शहर में है। तो ये है कि आपकी कन्वीनियंस के लिए दे दिया गया है, एंड हालांकि ये देख लीजिए ट्रेन काफ़ी खाली जा रही है, वहाँ पे 2 लोअर 2 मिडिल 2 अपर खाली है, यहाँ पे 2 अपर यहाँ पे 2 मिडिल लोअर खाली जा रहे हैं, तो यही सब चल रहा है। एंड तो अभी हुए हैं शाम के 7:45 और हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में विदिशा, एंड मैं आपको बता दूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी 1 घंटे से पहले हम भोपाल पहुँच पाएंगे। भोपाल जंक्शन के बाद हम उतरने वाले हैं रानी कमलापति, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे उतर के मैं ज़्यादा टाइम बचा सकता हूँ घर जाने के लिए, बिकॉज लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसीलिए, है ना। तो मैं एक बार देखूँगा कि कहाँ पे उतर के मैं ज़्यादा जल्दी पहुँच पाऊँगा। बाकी डिनर भी रखा हुआ है हमारे पास, जो थाली हमने मंगाई थी दोपहर में वो अभी रात के लिए हो गया है। हाँ जहाँ तक मेरे को उम्मीद है अभी वो देखिए वहाँ पे कुछ चल रहा है, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है अभी गाड़ी भोपाल में पूरी भर जाएगी, ये अब ऑलरेडी 4-3 घंटा लेट चल रही है, अब क्या बोल सकते हैं। अभी बजे हैं शाम के 9 और मैं पहुंच चुका हूं भोपाल जंक्शन, यानी कि मेरी डेस्टिनेशन। और मैं आपको एक और बार बता दूं, हम उतरने वाले थे रानी कमलापति पर, बट
ऑलरेडी गाड़ी 4 घंटा लेट थी, अभी 3 घंटा हो गई है, पर तब भी टाइम काफ़ी वैल्यूएबल होता है, ये सभी को मालूम है। मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए मैं अपना सफ़र भोपाल जंक्शन पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ। 1 मिनट बाद डिपार्चर लेके 15 मिनट में पहुँच जाएगी ये भोपाल रानी कमलापति। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर यह ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, है ना, क्योंकि एक तरीके से मेरे लिए बहुत स्पेशल जर्नी थी। तो इस जर्नी को आप मेरे लिए और ख़ुद भी मतलब देखिए, मेरे व्यूअर्स हैं तो स्पेशल आपके लिए भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी फैमिली ट्रेन टाइप की है, इस पर हमारी बहुत पुरानी पोस्टें ट्रैवल करते आई हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल जर्नी थी कि इस ट्रेन को पहले अमृतसर के पास से कवर करना भोपाल तक, क्योंकि भोपाल से गोंदिया तक जाते थे हम लोग, तो नहीं मालूम होता था कि पहले कहाँ से आ रही है गाड़ी, है ना, क्या रहता है। आज पता चला कि कैसा है। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो दबा के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।